कराची ग्रैंड अलायंस के सरबराह मोहम्मद असलम खान ने एक वक्त के हमरा जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान से मुलाकात की। इस मौके पर यह अहद किया गया कि कराची की गिनती कम करने के खिलाफ जकात खैरात और टैक्स देना बंद कर देंगे। तमाम जमातों ने कराची हकूक की बात ना की तो वो वोट देना भी बंद कर देंगे। आज हमारी मीटिंग थी हाफिज नईम साहब से, हमने ये फैसला किया, कराची ग्रैंड अलायंस ने ये फैसला किया है कि हम कराची की आवाज़ को तमाम पाकिस्तान की तमाम जमातों तक पहुंचाएंगे। जो कराची के साथ सेंसिस में ज़्यादती हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में ज़्यादती हो रही है, कराची के साथ फंडिंग के सिलसिले में ज़्यादती हो रही है, लोकल गवर्नमेंट को अख्तियारात नहीं मिल रहे, इन तमाम सिलसिले में हम पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि भाई ये कराची के साथ ज़्यादती हो रही है, अगर तुम लोग कराची का साथ नहीं दोगे इस वक्त तो फिर कराची की आवाम भी अब तुम्हारा साथ नहीं देगी और अपने हुकूक के लिए बिल्कुल एक अलग होकर लड़ेगी। तमाम कराची की तमाम कौमियतें, चाहे वो पंजाबी हों, पठान हों, सिंधी हों, बलोच हों, महाजिर हों, सब मिलकर अपने हुकूक की जद्दोजहद करेंगे और इसमें फिर हम किसी के साथ भी वो नहीं करेंगे कि भाई हम फिर हम कल ये ना कोई जमात कहे कि यार हम लोग जो है ना वोट नहीं दे रहे उनको। किसी आदमी को हम वोट नहीं देंगे, किसी का साथ नहीं देंगे, किसी को जकात खैरात फितरा भी नहीं देंगे किसी को, हम बल्कि टैक्स में भी चाहेंगे कि जब इस तरीके से लोग करेंगे तो हम लोगों को कहेंगे टैक्स जो है यहीं लगना चाहिए, कराची का टैक्स कराची में लगना चाहिए, कराची को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कराची को अगर उसके खाली राइट दे दिए हैं सारे के सारे तो कराची खुद बखुद तरक्की करेगा। कराची को उनके अख्तियारात मिलने चाहिए, कराची के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए हम एक आवाज़ बनकर पाकिस्तान की तमाम कौमियतें, पाकिस्तान, हम जब भी कोई किसी शहर के अंदर कोई भी वाक़या होता है तो कराची के लोग उनके लिए खड़े होते हैं। कभी कोई आफत आती है तो कराची के लोग उनकी इमदाद करते हैं, कराची के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। आज जब कराची पे वक्त है तो कराची के जो जितने भी सूबे हैं वो आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो कराची के लिए आवाज़ बुलंद करें। पंजाब के लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है, केपीके के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, बलूचिस्तान के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, इंटीरियर सिंध के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब भी किसी जगह पर भी कोई आफत, कुदरती आफात हो, कोई मसले मसाइल हो तो कराची के लोग उनका भरपूर साथ देते हैं। तो जब आज कराची के लोगों पर वक्त है तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो कराची के लोगों के मामलात पर उनको भरपूर साथ दें ताकि उनके मामला, हम किसी से तासुब नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो राइट है हमारी काउंटिंग सही कर लो, हम सिर्फ अपनी काउंटिंग दुरुस्त कराना चाहते हैं। अगर हमारी काउंटिंग दुरुस्त नहीं होगी तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि तो फिर हम ये बात नहीं करेंगे। फिर सुन लें, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी काउंटिंग दुरुस्त नहीं होगी तो हम फिर ये बात नहीं करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट को अख्तियारात दो, हम ये बात नहीं करेंगे कि कराची की काउंटिंग दुरुस्त करो, हम सिर्फ एक बात करेंगे। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।